जिस तरह से मूछे हों तो नथुलाल जैसी हों वरना ना हों, उसी तरह से मास्टर प्लान हो तो खेसारी लाल यादव जैसा हो वरना ना हो। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि खेसारी ने कभी नहीं सोचा था कि वो जो मास्टर प्लान बना रहे हैं उसमें वो इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा माजरा। आपको तो पता ही होगा कि पुदीना 2 जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले अनुपमा यादव ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि उन्हें गाना तो गवाया गया लेकिन गाने में रिप्लेस शिल्पी राज के कारण कर दिया गया। हाँ, ये बात और है कि अनुपमा की आवाज़ से बेहतर शिल्पी राज की आवाज़ लग रही है, और ये भी बात हम मानते हैं कि पुदीना 1 के लिरिक्स ज़्यादा अच्छे थे पुदीना 2 से। खैर, पुदीना 2 की हम बात इसलिए खेसारी से कनेक्ट कर रहे हैं, आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हुआ यूं कि इस गाने का बज़ बहुत क्रिएट हो चुका था, सभी जानते थे कि अनुपमा ने ये बयान दिया है तो गाना ट्रेंडिंग में आएगा ही आएगा और हो सकता है तो नंबर 1 की पोजीशन पर भी आए, और ये बात खेसारी एंड ग्रुप को भी पता थी। अब खेसारी लाल यादव को मौका तब मिल गया जब उन्होंने लाइव में पंकज सिंह पर कुछ बोला। अब ये मौका था या फिर मौका बनाया गया, ये आपकी समझ के ऊपर है। एक्चुअली हुआ यूं कि जिस दिन पवन सिंह का गाना पुदीना 2 आया उसके जस्ट एक दिन बाद ही पंकज सिंह का गाना आया। पुदीना 2 ने इस तरह कहर बरपाया कि महज 3 घंटे में ये गाना पा गया नंबर 1 की ट्रेंडिंग में अपनी एक ज़बरदस्त पोजीशन। अब ये किसी को कहाँ पसंद कि 3 घंटे के अंदर पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग में आ जाए, और वो ग्लोबली भी पहले से ट्रेंड कर रहे थे हरी हरी उड़नी को लेकर। अब ये सारी कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई खेसारी एंड ग्रुप को। खेसारी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया कि लोग उसमें उलझ कर रह गए, और पुदीना 2 आते ही बम्पर हिट तो हुआ लेकिन व्यूज़ के मामले में अब ये गाना काफ़ी पिछड़ता नज़र आ रहा है। जिस तरह से पुदीना गाने के व्यूज़ जाने चाहिए थे उस तरह से गए ही नहीं। इस गाने को अब तक 20 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लेना चाहिए था, लेकिन खेसारी ने इस तरह से मास्टर प्लान तैयार किया कि लोग खेसारी और पवन और कृति के बीच उनके विवादों के बीच फंस कर रह गए और पुदीना को भूल गए। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कहा खेसारी ने या क्या कहा पवन सिंह ने। हाँ, ये बात और है, पवन सिंह भले ही कुछ ना कह रहे हों लेकिन खेसारी जिस तरह से लाइव आकर इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि ये सारा मास्टर प्लान पवन सिंह के पुदीना गाने को फ्लॉप करने के लिए ही था, जिसमें काफ़ी हद तक खेसारी लाल यादव सक्सेस भी हो गए हैं। तो भाई, जिस चीज़ के लिए खेसारी हर वक्त रोते हैं आज कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि जिस तरह का प्लान उन्होंने तैयार किया था पवन सिंह के लिए वो बिल्कुल फिट बैठा है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही ये बताइए कि साजिश का शिकार कौन हुआ है, खेसारी या पवन सिंह। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।